बच्चों ये पुस्तक है, क्या लिखा हुआ यहाँ पर? घर की खोज। क्या लिखा है? घर की खोज। इस पुस्तक में जो कहानी है उसको मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। हेमंत कुमार जी इसको लिखे हैं। जंगल में सबसे अच्छा घर था खरगोश का। किसका घर था? खरगोश का। जितना प्यारा खरगोश उतना ही प्यारा घर। खरगोश देखे हैं कोई? यस सर। कितने लोग देखे हैं, हाथ उठाइए। ठीक है, अच्छा लगता है ना? यस सर। जितना प्यारा खरगोश था उतना ही सुंदर उसका घर था। खरगोश का भी घर होता है, घर में ही रहता है, अपना घर बना लेता है। कहाँ बनाता है? बिल में बनाता है ना, रहने के लिए। या ऐसे घास फूस रहता है उसमें रहता है, कोई झाड़ियों के बीच में रहता है। एक दिन हाथी घूमने निकला। हाथी देखे हैं आप लोग? कितने लोग देखे हैं? कहाँ देखे हैं? हाथी रोड पे आता है। अच्छा देखे हैं, ठीक है। तो हाथी ने खरगोश का घर देखा, उसे लगा उसका भी घर होना चाहिए जैसा कि खरगोश का है। हाथी को ये लगा कि मेरा भी एक घर होना चाहिए जिस तरह से खरगोश का घर है। हाथी ने खरगोश से कहा, आज से मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे घर में। ये देखिए ये खरगोश है। तो हाथी ने कहा खरगोश से कि आज से मैं तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हारे ही घर में रहूंगा। मेरे घर में? लेकिन ये तो बहुत छोटा है। तो खरगोश ने कहा कि मेरे घर में कैसे रहोगे? हाथी बड़ा होता है। खरगोश ने कहा कि मेरे घर में कैसे रहोगे? चुनमुन चौंक कर बोला। तो चुनमुन ये खरगोश का नाम है। किसका नाम है? खरगोश का। खरगोश का नाम क्या है? चुनमुन। हाथी ने खरगोश के घर को फिर ध्यान से देखा, एक और बाई ओर से, दूसरी बार दाई ओर से। उसे बात कुछ समझ में आई, वह सूंड हिलाता हुआ आगे बढ़ा। ये देखो हाथी है ना, हाथी फिर अपनी सूंड देखे हो ना, सूंड को हाथ ऐसे हिलाते हुए फिर आगे की ओर बढ़ा। रामू पहुंचा चींटियों के बिल के पास। हाथी का नाम रामू था। हाथी का नाम क्या था? रामू। रामू पहुंचा चींटियों के बिल के पास। उसने बिल के अंदर झांकने की कोशिश की। चींटियों ने उसे समझाया, आप बहुत बड़े हो, कहीं बड़ा सा घर ढूंढो। तो चींटियों ने क्या समझाया रामू को कि तुम तो बहुत बड़े हो, अपने लिए रहने के लिए बड़ा सा घर खोजो। वह थोड़ा और आगे बढ़ा। सियार की माद हाथी को काफी बड़ी लगी। ये देखो हाथी जा रहा है, ये सियार की माद है। तो हाथी ने जब देखा सियार की माद को, ये लगा कि ये तो ठीक रहने के लिए। हाथी ने माद के चारों ओर चक्कर लगाया, पर वहां भी उसकी दाल नहीं गली। सियारों ने उसे समझाया, भैया आप काफी मोटे हो, कोई बड़ा घर ही खोजो। सियारों ने क्या कहा हाथी को कि आप बहुत मोटे हो, है ना? रामू ने गुस्से से मुंह बिचकाया। ये रामू गुस्सा आ गया, रामू को पैर पटका और आगे बढ़ गया। फिर आगे गया तो क्या हुआ, ये चित्र देखिए। ये है रामू हाथी। हाथी पहुंचा एक घने पेड़ के नीचे। कहाँ पहुंचा? एक घने पेड़ के नीचे। अपने शरीर को पेड़ के तने से खुजाने लगा। हाथी ऐसे जब खुजली होती है तो पेड़ का जो तना होता है उसमें रगड़ करके खुजाता है। तो वह अपने शरीर को पेड़ के तने से खुजाने लगा। बया ने घोंसले से झांक कर रामू को देखा और बोली, दादा मुझे तंग मत करो, सोने दो। बया एक चिड़िया है, पक्षी है। वह अपने घोंसले से बाहर निकली, उसका घोंसला था उस पेड़ पर। वो बाहर निकली और झांक करके रामू को जब बया देखी, क्या बोलती है कि दादा मुझे सोने दो, मुझे तंग मत करो, कोई मुझे अपना घर देना नहीं चाहता, मैं एक एक से बदला लूंगा। हाथी गुस्से से बुदबुदाया। हाथी का नाम क्या था? रामू। क्या नाम था? रामू। हाथी को गुस्सा आ गया, बहुत गुस्से से बुदबुदाया कि कोई भी रहने के लिए अपना घर मुझे नहीं दे रहा है, न तो खरगोश दिया, न तो सियार दिया, न तो यहाँ पर चींटियों ने रहने के लिए दिया, और न यहाँ पर बया पक्षी का जो घोंसला था। तो बया भी इस तरह से बोली। अब वह आगे चल दिया। रामू ने देखा कुछ छोटे चूहे बिल के बाहर खेल रहे हैं। रामू ने क्या देखा कि चूहे खेल रहे हैं, किसके बाहर? बिल के बाहर।
बिल भी कोई रहने की जगह है, उसने सोचा और अपने बड़े बड़े कान हिलाता हुआ वहां से चल दिया। हाथी के कान कैसे होते हैं? कितने बड़े होते हैं? देखे हो ना, उसको हिलाता रहता है। तो हाथी अपने कान को हिलाते हुए फिर चल दिया। ये देखिए चित्र कितने अच्छे बने हुए हैं, है ना। इसको जब आप पढ़िए तो चित्र को जरूर देखिए, चित्रों को देखिए यहाँ पर और फिर पढ़िए। अब हाथी ने सोचा शेर तो बड़ा होता है, क्यों ना उसका भी घर देख लिया जाए। अब शेर जब बड़ा होता है, हाथी ने क्या सोचा कि हम जा करके शेर के घर को देखें। हाथी चल पड़ा शेर की गुफा की ओर। गुफा खाली थी, हाथी को लगा कि मौका अच्छा है। शेर बाहर गया था जंगल में शिकार करने के लिए, तो हाथी ने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, जाकर के गुफे के अंदर मैं देखूं। तो वह तेजी से गुफा के अंदर घुसा, पर यह क्या, गुफा में उसकी पीठ फंस गई। गुफे में जब घुसा तो उसकी पीठ क्या हो गई, फंस गई। अब न वह आगे जा पा रहा था न पीछे। बहुत कोशिश करने के बाद वह किसी तरह से बाहर आया, बहुत ही मुश्किल से किसी तरह से गुफा के बाहर आया। बाहर आकर उसने खुली हवा में सांस ली, अपना पसीना सुखाया। ये देखो इस तरह से देख रहे हैं ना। अब हाथी समझ चुका था कि उसका घर खुले मैदान में ही है। अब हाथी को क्या समझ में आया, उसका घर कहाँ है, खुले मैदान में। वह चल पड़ा नदी की ओर अपनी थकान मिटाने के लिए। ये देखो अब नदी की ओर जा रहा है। अच्छी लगी कहानी? यस सर। हाँ, तालियां बजाइए। इस तरह से आप जो पुस्तक मिली है पुस्तकालय में तो सर उपलब्ध कराएंगे और प्रतिदिन एक एक कहानी को पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। चित्र देखिए, इसको पढ़िए, ठीक है।